साबिक आईजी पंजाब कलीम इमाम ने इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बगैर इंस्पेक्टर्स के तबादले किए। मौजूदा आईजी पंजाब मोहम्मद ताहिर ने इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत पर इंस्पेक्टर्स को वापस करने के अहकाम जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर मुजाहिद शेख से। मुजाहिद बताइएगा ये क्या मामला है? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब भर के पुलिस में तबादले जो है वो इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद किए गए थे, और जिन इलाकों में जिमनी इलेक्शन अभी तक होना बाकी थे, साबिक आईजी पंजाब और मौजूदा आईजी सिंध कलीम इमाम ने जो है बगैर इलेक्शन कमीशन की इजाजत से तबादले कर दिए थे और तमाम इंस्पेक्टर को उनके इजला में वापस भिजवा दिया था। इलेक्शन कमीशन ने जब जिमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल की तो जब देखा गया कि इंस्पेक्टर्स और इलाकों के SHO जो है उनके तबादले कर दिए गए हैं और उससे इलेक्शन कमीशन की इजाजत नहीं दी गई, तो इलेक्शन कमीशन की मुदाखलत पर जो मौजूदा IG पंजाब है मोहम्मद ताहिर, उन्हें हदायत दी गई और फौरी तौर पर कल IG पंजाब मोहम्मद ताहिर ने नोटिफिकेशन जारी किया और तमाम इंस्पेक्टर जो पहले इजला में तैनात थे उन्हें वहां पर लगाने के अहकाम जारी कर दिए। ये दो मामला ऐसे हुए हैं तफसीलात से आगाह करने के लिए।